अपने होस्ट के पास चेक इन कर लिया था, मैंने होस्ट के पास चला गया था एंड मेरे होस्ट जो जिसने मुझे होस्ट किया है उसकी सिस्टर एंड उसके बच्चे थे घर पर एंड मेरी होस्ट जॉब पे चली गई थी एंड मैंने फिर मैं भी थोड़ा घूम के आता हूँ, तो मैं घूमने निकल गया हूँ। थोड़ी सी गर्मी तो है कम्पेयर टू तुर्किस्तान एंड शिमकेंट, तो मौसम ठंडा है बट थोड़ी बहुत गर्मी है। पास में ही मार्केट था तो मैंने सोचा कि पहले जाके सुपर मार्केट में थोड़ा एक्सप्लोर कर लेता हूँ एंड वहाँ से कुछ खाने पीने के लिए भी कलेक्ट कर लूँगा। जैसे हमारे इंडिया में बिग बाज़ार होता था वैसे ही इनके यहाँ पर सुपर मार्केट सिमिलर ही होते हैं, बट यहाँ पर काफ़ी बड़े हैं एंड यहाँ पर जैसे इंडिया में नॉर्मल शॉप्स हर जगह मिल जाती गलियों में, यहाँ पर वैसे नॉर्मल शॉप्स नहीं होता तो हर जगह सुपर मार्केट्स ही है। बहुत बार क्या होता है मैं सुपर मार्केट से खाना पैक कर लेता हूँ, यहाँ खाना मिल रहा होता है ना कुछ ना कुछ एंड इस तरह से यहाँ पर काफ़ी सारे फूड ऑप्शंस होते हैं एंड ये वेट के हिसाब से चार्ज करते हैं आपको, जो जो भी आइटम चाहिए जितना वेट होगा पर ग्राम के हिसाब से कैलकुलेट करके आप ले सकते हो एंड यहाँ पर सिटिंग एरिया भी होता है अंदर, यहाँ बैठ के खा भी सकते हो। ये जो सामने बिल्डिंग देख रहे हो इसका नाम है होटल कजाकिस्तान एंड 1970s-80s में ये कजाकिस्तान का सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग हुआ करता था। मैं ऐसे गूगल में सर्च कर रहा था कि आसपास में क्या क्या अट्रैक्शंस हैं, तो उसमें मैंने देखा कि यहाँ पास पार्क है जो कि सोवियत टाइम्स का बना हुआ है एंड वर्ल्ड वॉर हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो वहाँ जाके मैं थोड़ा एक्सप्लोर करता हूँ, उसमें देखता हूँ क्या क्या है वहाँ। ये पार्क काफ़ी पुराना पार्क है, रेनोवेट कर रखा है एंड यहाँ पर जैसे 1912-1960 ऐसे कुछ कुछ लोगों की स्टैचूज लगा रखे हैं एंड ये फायर भी कंटिन्यू चलता रहता है इंडिया गेट की तरह। सामने वो स्टैचू दिख रहा है आपको, ये पार्क तो काफ़ी अच्छे से बना रखा है, काफ़ी वेल मेंटेन भी है। काफ़ी अच्छा वो पार्क बना रखा है, ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम का डेट लिखा हुआ 1941-1945, तो उसके रिलेटेड ही पार्क है।
इस पार्क में हर जगह इस तरह के स्टैचूज बने हुए हैं जो कि वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड कुछ कुछ डिपिक्ट करते हैं। तो ये यहाँ का सबसे पुराना कैथेड्रल है। ये चर्च काफी कलरफुल है एंड बहुत ही सही दिख रहा है। या आप लोग कभी अलमारी आते हो तो इस पार्क में तो पक्का विजिट करना, काफी अच्छा है ये। ये पास में मुझे एक डिकैथलॉन का स्टोर दिख गया है, मैं वैसे ही चला जाता हूँ, जाके देखता हूँ एंड कंपेयर करता हूँ कि इंडिया के कंपैरिजन में सामान एंड कितना डिफरेंट है, प्राइसिंग भी कैसा है। यहाँ पर जो भी 100% चीज़ें हैं वो इंडिया में भी सेम वैसे ही मिलता है। टी शर्ट वी शर्ट जो भी है, डिज़ाइन वाइन जो कलर वलर कॉम्बिनेशन सब कुछ सेम है, पर प्राइस का डिफरेंस है कि जैसे प्राइसिंग ऑलमोस्ट डबल है। सो आज डे वन तो अलमारी के अंदर में ही ऐसे घूमते घूमते निकल गए हैं। आज के लिए गुड नाइट एंड कल मिलते हैं। सभी 8:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ से बिग अलमारी लेक जा रहा हूँ। यहाँ से अभी 1.5 घंटे का बस राइड है, फिर वहाँ से शेयरिंग टैक्सी करना पड़ेगा। तो फिलहाल मैं बिग अलमारी लेक जा रहा हूँ। शायद से मुझे यहाँ पर एक ग्लोबल वार्मिंग ज्वाइन कर लेंगे जो मुझे कल मिले थे यहाँ पर। तो मैं कुछ फ्रेंड लोगों का वेट कर रहा था, बिग अलमारी लेक जाना है। यहाँ प्रेसिडेंट पार्क के पास से ही बस आती है, तो अभी वो लोग आए नहीं थे, वैसे ही पार्क में घूमने आ गया। हम लोग की बस लेके बाहर बाहर तो आ गए थे आउटस्कर्ट्स में, फिर यहाँ पर पता चला कि जो रोड लेक के लिए जाती है, बिग अलमारी लेक के लिए, उसमें कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है तो व्हीकल्स को अलाउड नहीं कर रहे। तो इस पॉइंट से काफ़ी लंबा ट्रैक हो जाता है, 17 किलोमीटर वन साइड का। एंड तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि वापस जाते हैं सिटी। एंड यहाँ पर एक और लेक है, फ्रेश वाटर लेक है कोनेव, जो कि आर्टिफिशली मैन मेड टाइप का है, डैम बना हुआ था उसकी वजह से लेक बन गया। तो वहाँ वहाँ जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। सो मैं वापस अलमारी सिटी आ गया था एंड यहाँ से मैं अब मिनी बस ढूंढ रहा हूँ कोनेव लेक के लिए। कोनेव लेक अलमारी से अराउंड 45-50 किलोमीटर दूर है एंड 1.5 घंटे लग जाते हैं मिनी बस से। पर बस ने उतारा था वहाँ से, इस लेक के लिए 1 किलोमीटर का वॉक है एंड अभी वेदर थोड़ा ख़राब हो गया, काफ़ी विंडी है एंड विंड की वजह से धूल मिट्टी उड़ रहा है तो थोड़ा विजिबिलिटी भी कम है। बट अभी इतना दूर ट्रैवल करके आए तो लेक विजिट कर ही लेते हैं। तो बेसिकली ये जो कोनेव लेक है ये एक रिजर्व है, यहाँ पे एक रिवर है जिसमें बना था, तो उसकी वजह से लेक बन गया, टीरी लेक टाइप का है एंड इसका काफ़ी लंबा है। मैं ये लेक उसमें मैप्स में देख रहा था, अराउंड 60 किलोमीटर तक जाता है एंड देखने में ऐसा लगेगा कि यहाँ से खड़े होके कि सी टाइप का ही कुछ है, तो काफ़ी बड़ा है वैसे।
यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं जो यहाँ पर स्विम कर रहे हैं, पर अभी थोड़ा वेदर ख़राब है तो मैंने डिसाइड किया कि अभी स्विमिंग ना करके इसी बाहर से देखते हैं, शाम को वापस अलमारी चले जाएंगे। इस लेक में अगर आप लोग चाहो तो आराम से एक दिन पूरा फुल स्पेंड कर सकते हो, स्विमिंग करो एंड आसपास में काफ़ी मार्केट भी हैं, खाने पीने के रेस्टोरेंट कैफे सब अवेलेबल है एंड यहाँ पर अकोमोडेशन भी है। मैंने कल ऑनलाइन चेक कर रहा था booking.com में, हॉस्टल्स होटल सब कुछ अवेलेबल है, तो अगर कोई यहाँ पर लॉन्ग टाइम रुकना चाहता है तो रुक सकते हैं, ऑप्शन हैं। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर 3-4 घंटे स्पेंड किया है और यहाँ पर लंच भी कर लिया, तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अलमाटी सिटी वापस चले जाते हैं। तो कल मैं शिमबुल लेक यहाँ पर जो एक स्की रिजॉर्ट है वो विज़िट कर रहा हूँ, तो बी ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।